इसको आप बड़ी पिक्चर में देखें, अभी तो अली साबरी साहब ने जो फरमाया है वही कुछ हमारी भी स्थिति है। भारत ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की है कि पहले आपने क्या किया है आतंकवाद को रोकने में, और घोषित आतंकवादियों के बारे में जो आपको डोजियर्स दिए गए थे उसके बारे में आपने क्या किया है। करणवीर सिंह के बारे में इंटरपोल ने आपको रेड कॉर्नर नोटिस भेजी, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके अलावा भारत ने तमाम ऐसे चरमपंथियों के बारे में, घोषित चरमपंथियों के बारे में, खालिस्तानी समर्थकों के बारे में जिन्होंने हमारे मंदिरों को डिफेस किया, हमारे राजनयिकों को, डिप्लोमेट्स को धमकी दी, उनके बारे में क्या कार्रवाई की। अली साबरी साहब ने जो कहा है कि श्रीलंका के बारे में नरसंहार, जेनोसाइड जो आपने कहा है उसमें कोई तथ्य नहीं है, निराधार बातें न करें। और वैंकूवर स्थित कनाडा में जिस तरीके से वहां अराजकता फैल रही है, फैलाई जा रही है, उसके बारे में कनाडा ने कोई कार्रवाई नहीं की। ट्रूडो ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते हुए जो राजनीतिक लाभ का रास्ता था उसको चुना, न कि औचित्यपूर्ण मार्ग को। सर, ये इस बयान के बाद में, जो नरसंहार बयान के बाद में वहां के लोग काफी प्रभावित हुए हैं, ऐसे में उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है जो नरसंहार हुआ, विरोध हुआ, इस पे कैसे देखेंगे आप? देखिए, न केवल अली साबरी साहब ने जो बातें कही हैं वो तथ्यों पे आधारित है। भारत से श्रीलंका की जाने वाली हाई कमिश्नर मेलिंडा मोरागुआ ने भी यही बात कही थी कि जो बातें उनके द्वारा कनाडा द्वारा की जा रही हैं वो मिथ्या आरोप है, तथ्यहीन और निराधार है। बेहतर होगा, कनाडा एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है विश्व में, अपनी बातों के पीछे अगर तथ्यों को ले आते तो बेहतर होता। तथ्यहीन निराधार बातों को लेकर के और वाइल्ड एलिगेशन लगाना औचित्यपूर्ण नहीं है। सर, मैथ्यू मिलर की बात की जाए तो उन्होंने जो आरोप लगाया गया, उन्होंने कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए, भारत सरकार कनाडा जांच में सहयोग करने की आग्रह किया है इन्होंने। बिल्कुल सही है, जांच के बिना आरोप लगाना ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और अगर आपको तथ्य दिए जा रहे हैं, आपके पास तथ्य हैं, तो तथ्यों के आधार पर बात कीजिए। कोरी कपूर कल्पित बातें जिसके पीछे कोई सर है न पैर है, हवा में गांठ बांध करके ऐसे कोरे आरोप लगाना अंतरराष्ट्रीय डिप्लोमेसी में इनका कोई स्थान नहीं है। तथ्यों को ले आए। और हम तो फिर एक बात कहेंगे, भारत ने जो आपको तथ्यात्मक बातें, इंटरपोल ने जो तथ्यात्मक बातें प्रस्तुत की हैं, श्रीलंका ने की हैं, उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की है? दिखाई ये पड़ रहा है कि आपने कोई कार्रवाई नहीं की है और अपने बचाव में आप अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। सर, बात कर भारत कनाडा के आरोपों पर, भारत के निवेदन श्रीलंकाई उच्च युक्त मिलिड मोरागोट कहते हैं कि मुझे लगता है कि भारत की प्रतिक्रिया स्पष्ट और दृढ़ और सीधी रही है। मुझे भी ये लगता है कि हमारा सवाल, हम उस पर भारत के समर्थन करते हैं। 40 साल मेरा जीवन श्रीलंका में विभिन्न प्रकार के आतंकवाद का सामना करते हुए बीता हुआ है। इस मामले में हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है क्योंकि हमने सहन किया और हमने सहा है। बिल्कुल सही कहा है, जो श्रीलंकाई राजनयिक ने कही है मैं उससे शत प्रतिशत सहमत हूँ कि उन्होंने श्रीलंका में जो गृह युद्ध ऐसी स्थितियां थी उसका सामना किया, बड़ी कुशलता से और राजनीतिक सूझबूझ से उसके ऊपर उन्होंने नियंत्रण किया। और उसके बाद कनाडा के इस तरह के नरसंहार के आरोप लगा देना, आप यहाँ जो हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, डिप्लोमेट्स के ऊपर धमकी दी जा रही है, आपने उस पर कोई कार्रवाई की है? नहीं की है। इसलिए मिथ्या आरोप न लगा करके अपनी कार्रवाई करें। आज आपका ये कहना ना कि हमारे पास चूंकि धनाभाव है इसलिए हम वांछित संख्या में पुलिसकर्मी नहीं है, इसलिए अनुसंधान नहीं हो रहा है, ये आपकी समस्या है, ये न श्रीलंका की समस्या है न भारत की समस्या है, आपकी आलोचना। जब मैं आप कह रहा हूं तो त्रुदो की आलोचना, उनकी संसद में खुद उनके जो सांसद हैं भले ही विपक्षी हों, जिस तरीके की आलोचना कर रहे हैं कि उनके बयान को हास्यास्पद बता रहे हैं, बेहतर होगा कि आप अपने बारे में जरा गंभीर हो जाएं, क्योंकि इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान और हरकतें ये राष्ट्राध्यक्ष को शोभा नहीं देता है। सर, जितने भी प्रकरण रहे हैं इसमें और भी कुछ क्या प्रकाशित हो सकता है आपके द्वारा? बिल्कुल हो सकता है। आपको याद होगा कि 26/11 मुंबई हमले में तहव्वुर राना के ऊपर एक बहुत विस्तृत आरोप पत्र भारत ने अमेरिका को दिया। अमेरिका भी यदा कदा राजनीतिक कूटनीति के चलते, अपनी अनिवार्यता के चलते कनाडा का साथ दे रहा है, जबकि तथ्यों के ऊपर पेश करने तो बेहतर होगा। I5 देश जिसमें अमेरिका, कनाडा, UK, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये इंटेलिजेंस शेयर करने का एक समूह है
जिनके दावा यह है कि उनके पास समस्त अभिसूचनाएं हैं। अगर अभिसूचना है तो अभिसूचना जरा साझा कर लें। और मैं ये भी पूछना चाहूंगा, तहव्वुर राणा के बारे में जितना बड़ा नरसंहार मुंबई में हुआ उस पर अमरीका ने क्या कार्रवाई की, और नहीं की तो क्यों नहीं की? डेविड कोलमैन हेडली जो कि षड्यंत्रकारी था और 26/11 के हमले के पूर्व मुंबई आकर के रहा रखी की, उसके बारे में आपने क्या कार्रवाई की? हाफिज सईद के ऊपर यद्यपि $10 मिलियन का पुरस्कार है, उसके बारे में तो सब मूक दर्शक बने हुए हैं। तो महाशक्तियों को चाहिए कि अपने घर को पहले दुरुस्त कर लें, क्योंकि जैसा हिलरी क्लिंटन ने कहा कि अगर पिछवाड़े आप सांप पालेंगे तो वही सांप जिनको आपने पाला है वही आपको डसेंगे।